चलिए जैक देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11.26 अपना आ गया है। एग्जांपल नंबर 11.26 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल दिस विद द लाइन दिस हैज ए सेंटर एट द ओरिजिन। हाँ तो बेटा अब इसमें आपको क्या सिखाना पड़ेगा, एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। अगर आपके पास कोई सर्किल है, मान लो ये सर्किल है आपके पास और ये लाइन है, तो सर्किल और लाइन किससे इंटरसेक्शन से पास होने वाले इक्वेशन होता है, कैसे लिखोगे? मान लो बेटा ऐसे लिखो, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल एस इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है एस इक्वल टू जीरो नंबर वन, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन is equal to L equal to 0, समझ गए? Equation of circle S, S मतलब वही x square plus y square plus 2dx plus 2fy plus c, और इसका line का मतलब क्या है? L मतलब ax plus by plus c equal to, जो भी line होगी उसका ये वाला part, zero के left वाला part, इन दोनों के intersection से जाने वाले circle का equation होगा, जैसे ये circle है और ये line है। ये दोनों एक दूसरे को काट गए, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाले सर्कल का इक्वेशन होगा बेटा, ये सर्कल जाएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन से, सर्कल गया, क्या होगा इक्वेशन? इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाले सर्कल का इक्वेशन होगा एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो, कर लो S plus lambda L equal to 0, मतलब सर्कल का हिस्सा प्लस लैम्डा इंटू लाइन का हिस्सा इक्वल टू, S plus lambda L equal to 0। S प्लस लैम्डा L इक्वल टू, समझ में आ गया? अब देखो इसका एग्जांपल, भाई अपने पास सर्कल दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन सर्कल एंड लाइन, तो ये सर्कल है बेटा, सर्कल का ये वाला पार्ट क्या है बेटा S है, ये वाला पार्ट क्या है बेटा L है, तो इक्वेशन क्या होगा S, S वाला पार्ट प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह K ले लो बेटा, L इक्वल टू 0 दे दो नंबर 1, S plus lambda L equal to 0, ठीक है? फिर से बता देना सर। बेटा ये S वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट ऐसे कि नहीं? हाँ है ना? ऐसा। और L, ये वाला पार्ट L है कि नहीं है, लाइन का पार्ट? भाई सर्कल को मैंने कैसे देखा, मैंने सर्कल को देखा S इक्वल टू 0, मैंने लाइन को देखा L इक्वल टू 0, तो S इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 0 बन गए, तो ये S वाला पार्ट हो गया, ये L वाला पार्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। मेरा जो इक्वेशन बना, जो सर्कल का इक्वेशन बना मेरा, वो क्या है? S वाला पार्ट प्लस लैम्डा या K, जो भी लेना हो, K ले लो, M ले लो, लैम्डा ले लो, L इक्वल टू 0, तो देखो S वाला पार्ट प्लस K into L equal to 0, अब समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir, आ गया। चलो अब इसको अरेंज करो, जल्दी से अरेंज करो, x square plus y square plus x common ले लो plus y common ले लो plus constant term, yes. Yeah.
लिख लिया? कॉमन ले लिया, हाँ एक्स कॉमन ले लिया, वाई कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई। यस सर, लिख लिया? यस सर, लिख लिया। चलो देखो अब इसको, अब इसका सेंटर निकालो। कैसे निकालोगे सेंटर? ये आपके पास जो दिख रहा है 2g इक्वल टू 4 प्लस के दिख रहा है ना, 2gx, तो 2g इक्वल टू 4 प्लस के, तो g इक्वल टू कितना होगा बेटा, 4 प्लस के अपॉन 2, और बेटा अपना सेंटर क्या होता था, माइनस g, तो माइनस g एक सेंटर ये निकला है, माइनस f ये सेंटर निकला है, तो निकालो बेटा दो सेंटर माइनस g माइनस f। बेटा उसको दे दो, आवाज मत करो, माइनस जी माइनस एफ निकालो बेटा दोनों सेंटर, जय आ जाए तो बोल देना। हम पढ़ा रहे हैं भैया को और हम भी पढ़ रहे हैं, मतलब वो पढ़ रहा है। माइनस जी माइनस एफ आ गए, भाई इतना टाइम लगे क्या? जय नहीं आए? क्या प्रॉब्लम है बेटा, अरेंज नहीं कर पाए क्या तुम इसको इस फॉर्म में? यार ये 4x है, ये kx है, x कॉमन लोगे तो यार 4 प्लस kx बन जाएगा, ये 4y है, ये ky है, कॉमन ले लोगे तो 4 प्लस के वाई बन जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म 4 प्लस 2 के, क्या करना है इसमें बताओ, इतना टाइम नहीं है ना, ये तो कर लिया। हाँ आ गया सही वाला, तो आ गया, आगे भी सुन मैं आगे की देख रहा, सेंटर आ गया नहीं है? यस सर वो तो आ गया था सर, मैं आगे देख रहा हूं, मैंने यार उसी का बोला ना, अब क्या कह रहा है आगे पहुंच गया, देखो क्या कह रहा है कि ये जो सर्किल है इसका सेंटर क्या है, 0 0 है, ये देखो लिखा हैज द सेंटर एट ओरिजिन, तो सेंटर को 0 0 से कंपेयर करा दो, मतलब जो आपने सेंटर निकाला है इसको 0 0 से कंपेयर करा दो, क्या क्या सेंटर है आपका, माइनस 4 प्लस के बाई 2 माइनस जी होता है ना, तो 0 से कंपेयर कराओगे तो माइनस 4 प्लस के बाई 2 से k की वैल्यू माइनस 4 निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए? यस निकाल लिए ना? यस सर। चलो k की वैल्यू माइनस 4 निकाल ली, k की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दो नंबर वन में, वही आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे पुट कर दो k की वैल्यू, यहाँ पे सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपकी आ गई, उठा के पुट कर दो आंसर आ जाएगा, आंसर मैच करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। Then yes, sir.
आंसर यस सर। हर्ष आंसर आ गया नहीं है? हाँ सर। ठीक है, तुम्हारी आवाज बड़ी कंफर्टेबल आ रही है हर्ष। चलो जी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है एग्जांपल 1.11.27। एग्जांपल 11.27 पढ़ने के पहले मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला लिखो बच्चों। बट ये कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखना। ये जो ऊपर मैंने पढ़ाया उससे भी रिलेटेड चांसेस नहीं है बिल्कुल भी आने के, नॉट इन एनसीईआरटी। ये भी इस साल नहीं आएगा, बट आरडी में सब कुछ है, सिलेबस में सब कुछ है, बट एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। ये भी अगला वाला पॉइंट भी एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्वेश्चन देख लो, कंसेप्ट देख लो। हाँ बच्चों लिखो, टॉपिक लिखो, इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। दो सर्किल के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्किल का इक्वेशन। एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है। पहला सर्किल का इक्वेशन मान लो S1=0 और दूसरे सर्किल का इक्वेशन मान लो S2=0। S1=0, S2=0, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इससे पास होकर के जो सर्किल जाएंगे, ये सर्किल जा रहा ना इसके इंटरसेक्शन से, तो जाने वाले सर्किल का इक्वेशन क्या होगा बच्चों? S1+λS2=0। लिखो इतना। क्या होगा इक्वेशन? S1+λS2=0। लिख लिया सर। चलो अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। ए सर्कल थ्रू द कॉमन पॉइंट्स ऑफ द सर्किल X²+Y²। बेटा ये पहला सर्किल दिया हुआ है और ये दूसरा सर्किल दिया हुआ है, ये दूसरा। अब कह रहा है इन दोनों सर्किल के कट पॉइंट से एक बड़ा सर्किल जा रहा है, एक कोई नया सर्किल जा रहा है जिसका सेंटर इस लाइन पर बैठा हुआ है। तो बताओ इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो? चलो तो पहले इक्वेशन लिखो, क्वेश्चन लिख लिया। चलो 1 मिनट से क्वेश्चन लिखो। यस सर, लिख लिया क्वेश्चन।
फिर बता दो। S2 यस सर। यस सर आगे।
ये सर थोड़ा ही सा रह गया सर, कोऑर्डिनेट निकालनी है। गुड इवनिंग सर।